या लड्डू बांटे या गधा पर चढ़ जाते हैं, इनसे ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। गाय माता को हत्या करने वाले को ये लोग अपना समधी या कुटुंब बनाने पर लगे हुए हैं। अमर्यादित व्यवहार करके हम लोगों को, विपक्ष को जो है लज्जित करना चाहते हैं। इन लोग का समय इंड हो गया है, इसलिए इतराने की आवश्यकता नहीं। पिछले कई दिनों से सदन की कार्रवाई में सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान हमारे साथ हैं। लखेंद्र जी, कल आरजेडी नेताओं के द्वारा आप लोगों को लड्डू खिलाने की कोशिश की गई, लेकिन आप लोगों ने लड्डू को हवा में उछाल दिया। अब आरजेडी एक ट्वीट करती है और कहती है कि घी का लड्डू पच नहीं रहा और कुत्ता सबका भी इस्तेमाल किया गया है। देखिए, जो लड्डू जो होती है, जो घी जो है, घी गाय माता के दूध से घी बनती है। गाय माता जो दूध देती है उससे घी बनता है। और हम तो वो लोग हैं जो गाय माता को भी अपनी माँ कहने वाले लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो गाय माता को हत्या करने वाले को पूजा करते हैं। गाय माता को हत्या करने वाले को ये लोग अपना समधी या कुटुंब बनाने पर लगे हुए हैं। दूसरा, इन्होंने जो उदाहरण दिया जो घी कुत्ता का नहीं पड़ता है, हमको तो ये जानकारी है जो कुत्ता है, जो जानवर है, जो पालतू जानवर है, वो उसमें ज़्यादा वफादारिता के गुण है। इनको वफादारी है ही नहीं, इनको तो अपनी वफादारी थोड़ा सा भी सीखना है तो कुत्ता से भी ज़्यादा इनको शिक्षा लेना चाहिए। कुत्ता तो इनसे भी ज़्यादा वफादार होता है, इनमें कोई गुण भी नहीं है, कुत्ता वाला कोई गुण भी नहीं, क्योंकि वफादार हो ही नहीं सकते हैं। इनसे ज़्यादा वफादार कुत्ता होता है। और जहाँ घी की सवाल है और लड्डू की सवाल है, बहुत इतराने की इनकी आवश्यकता नहीं है। या लड्डू बांटे या गधा पर चढ़ जाए, इनकी मर्जी, इनकी स्वतंत्रता है, इनकी आज़ादी है। लेकिन हमें जहाँ तक समझ है, जिस भ्रष्टाचार के गंगोत्री में जो आरजेडी परिवार डूबा हुआ है, उसको रिहा नहीं हुआ है। उनको 50-50 हज़ार रुपया के मुचलका के बाउंडेशन बाउंड पेपर पर छोड़ा गया है, इसलिए इतराने की आवश्यकता नहीं है। आज हम जानते हैं कुत्ता भी इनसे ज़्यादा वफादार है, और ये लड्डू बांटे गधा पर चढ़ जाए, इनकी जैसी खुशी हमें उससे। उसके पहले आरजेडी विधायक ने आप लोगों को पानी पिलाया, उसके बाद लड्डू बांटा, क्या बीजेपी इतनी कमजोर हो गई है बिहार में क्या? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था, यही तो मांग था मेरा ना। जिस प्रकार लखेंद्र पासवान को सदन से 2 दिनों के तहत निष्कासित किया गया, यही तो मैं कहता था ना, ये सदन के अंदर में जब अपनी बात रखता हूँ तो विपक्ष की बात को दबाना चाहते हैं, सदन के बाहर यदि हम लोग अपनी बात को रखते हैं तो ये लोग कभी घी, कभी पानी फेंक के, तो कभी किसी प्रकार के अमर्यादित व्यवहार करके हम लोगों को, विपक्ष को जो है लज्जित करना चाहते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। इन लोग का समय इंड हो गया है। अब एक बार आप सुर्खियों में रहे थे जब माइक तोड़ने की बात हुई थी, अब आप सदन के अंदर फिर जा रहे हैं, तो फिर कोई सवाल खड़ा करेंगे इस ट्वीट पे? आज भी मेरा क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, उस समय जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था जो पूरे बिहार के सेविका सहायिका को मान दे देने का। आज मेरा क्वेश्चन है 6 नंबर में, मैं आपको मित्रों को बताता हूँ। आज का जो मेरा क्वेश्चन है, जो पूरे बिहार में जो डील जन वितरण प्रणाली के विक्रेता है, वह जंतर मंतर पर 22 तारीख से पूरे देश के जंतर मंतर वह धरना देने जा रही है। मैं उनका भी वेतन और भत्ता की मांग करने वाला हूँ। आज क्वेश्चन है तो जनहित में क्वेश्चन तो मैं उठाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन को अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक समझ के या विपक्ष समझ के यदि हमको दबाने का कोशिश लोग करेगा, तो भाई प्रश्न रखना मेरा लाजमी है, मेरा अधिकार क्षेत्र।